मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। चोले की पूजा कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे, ओ, 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 ओ
संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है, किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कचरे ने, किसी के कचरे ने, सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। चकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के वो साया आंचल का वो टीका काजल का वो लोरी रातों में वो नरमी हाथों में वो चाहत आंखों में वो चिंता बातों में। बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ यही हरकत में पूछे मेरी माँ के घर कब आओगे के घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। संदेश से आते तड़पाते हैं तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। इस बार हम 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता का जो वर्षगांठ है वो मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। हमें अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना है। हमारा जो जिम्मेदारी है आज के दिन में अगर हम उसको पूरा कर लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि हमारे आजादी के जितने भी सूरवीर रहे हैं जिन्होंने कर्तव्यता पूर्वक अपने को आजादी के लिए लड़ाई करते हुए बलिदान दिया है उसमें हम अपने को कुछ हद तक ले सकते हैं अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाएं अपने काम को करें और जिस काम के लिए हमें अपने पैसा मिलते हैं उसको हम अच्छी तरीके से किसानों तक ले जाएं दूसरे के लिए काम करें जिस काम के लिए हमको रखा गया है। तो आज के दिन में मैं सभी को शुभकामना देती हूँ, साथ ही साथ आग्रह करूँगी कि आप कर्तव्य अपना जरूर करिए और कर्तव्य के साथ अधिकार भी मांगिए तो ही हमारा जो आजादी का मकसद है वो पूरा होगा। संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर घाटशिला परिवार की ओर से 77वीं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर घाटशिला झारखंड तथा देशवासियों को बधाई। और इसी के साथ साथ आपका चैनल के माध्यम से हम देशवासियों को एक मैसेज देना चाहते हैं। आज जो स्वतंत्रता हम लोग को मिला है ये किसके बदलोत मिला है, क्यों मिला है और उसका महत्व क्या था, किस लिए मिला है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता किस चीज का है? अपना मन का स्वतंत्रता, हम लोग बोलते हैं ना फ्रीडम इन माइंड, तो मन का स्वतंत्रता हम जो चाहे, संविधान में लॉज बायलॉज रेगुलेशन सब दिया हुआ है उस आधार पे एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन
होते हुए देश का विकास पर हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, समाज का विकास के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो जरूरत चीज है जैसा फूड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये हर क्षेत्र में पहुंचे, हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी गवर्नमेंट एंड पंचायत एरिया है अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट करेंगे ये बेसिक चीज सबका पास पहुंचे, तभी जो स्वतंत्रता आज से 77 साल 76 साल पहले जो मिला था उसका परिपूर्ण माना जाएगा। धन्यवाद। 77 स्वतंत्रता दिवस पर घाटशिला अनुमंडल जीटीएनओ की तरफ से भारतवासी या सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये रामकृष्ण विवेकानंद शारदा विद्यापीठ तरफ से मैं स्वामी सुतपानंद जी सब ग्रामवासी को शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे झारखंड वासी एवं हमारे घाटशिला वासी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं जोहार। मैं डबल सिंह शिव मंदिर समिति मोहंडार के महासचिव महासचिव के तरफ से सबसे पहले हमारे शिव मंदिर के मेंबर एवं श्रद्धालुओं को, ताम्र वासियों एवं घाटशिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ साथ 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी घाटशिला वासियों, मोहंडार वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं साथ ही साथ GTN News जो हमारे सही बातों पर खड़े उतरते हैं उनको भी बधाई। 15 अगस्त की सभी झारखंड वासियों को, घाटशिला के अनुमंडल वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे तरफ से ये देश इस बार अमृत महोत्सव मना रहा है, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त को धूमधाम से मनाएं। 77वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप समस्त देशवासियों, झारखंड वासियों एवं घाटशिला ताम्र नगरी वासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हमारे वीर शहीद सपूतों की कुर्बानी की वजह से आज हमें देखने को मिल रहा है। ये आज जो है 1947 का भारत एक अलग भारत था, आज जो है 2023 का भारत हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये वो भारत था जो कि आपका 71 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया, जो कि दिखाया कि ये शक्तिशाली हम लोग का देश भारत देश है। उसके बाद आज 2023 का ये भारत जिसमें कि कई स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद हुए, उसके बाद जो है तब आज हमें आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को पूरे हिंदुस्तान बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर सिर्फ एक ही नारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तिरंगा हर घर तिरंगा। ये हमारे आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 3 दिवसीय तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है। और हर घर तिरंगा, जिसके कि पहले देखने में मिलता था कि बहुत घर पर तिरंगा आपको नहीं दिखता था, लेकिन इस मुहिम से आपको देखने को मिलेगा कि हर घर तिरंगा जो है आपको फहराया जा रहा है। तमाम लोगों से अपील है कि आप भी जो है तिरंगा अपने घर पर 3 दिन अवश्य फहराएं एवं स्वतंत्रता दिवस जो है बहुत ही धूमधाम से मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रविशंकर सिंह, भाजपा नेता एवं भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट का सक्रिय सदस्य, आप तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। GTN के माध्यम से मैं घाटशिला के तमाम नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यही कहना चाहूँगा, आइए सब मिल करके हम अभी देश अमृत काल के कालखंड से गुजर रहा है
और लगातार एक नए कदम पे कदम बढ़ाते हुए एक नया भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में विकसित होने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसीलिए एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए आइए हम सब लोग मिलकर के अपना योगदान दें ताकि हम भारत को एक दिन विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकें। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से समस्त देशवासियों को 77वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सबको जोहार। समस्त घाटशिला वासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। गोघंटा महिला समिति के महासचिव रूबी सिंह, आप सभी को सर्वप्रथम में महिला समिति के सभी मेंबर को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, मैं महिला समिति का अध्यक्ष और खराब महिला समिति का सब मेंबर को हम स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं देते हैं और हर्षिला वासियों स्वतंत्रता दिवस पर घाटशिला अनुमंडल जितने के तरफ से भारतवासी या सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये रामकृष्ण विवेकानंद शारदा विद्यापीठ तरफ से मैं स्वामी सुतपानंद जी सब ग्रामवासी को शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे झारखंड वासी एवं हमारे घाटशिला वासी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं जोहार। संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर घाटशिला परिवार की ओर से 77वीं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर घाटशिला झारखंड तथा देशवासियों को बधाई और इसी के साथ साथ आपका चैनल के माध्यम से देशवासियों को एक मैसेज देना चाहते हैं। आज जो स्वतंत्रता हम लोग को मिला है ये किसके बदौलत मिला है, क्यों मिला है और उसका महत्व क्या था, किस लिए मिला है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता किस चीज का है? अपना मन का स्वतंत्रता, हम लोग बोलते हैं ना फ्रीडम इन माइंड, तो मन का स्वतंत्रता, हम जो चाहे संविधान में लॉज बायलॉज रेगुलेशन सब दिया हुआ है उस आधार पे एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हुए देश का विकास पर हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, समाज के विकास के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो जरूरत चीज है जैसा फूड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये हर क्षेत्र में पहुंचे, हम स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी गवर्नमेंट एंड पंचायत एरिया है अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट करेंगे ये बेसिक चीज सबका पास पहुंचे, तभी जो स्वतंत्रता आज से 77 साल 76 साल पहले जो मिला था उसका परिपूर्ण माना जाएगा। धन्यवाद। जोहार, मैं कुमारी भारती स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्राध्यापिका हूँ। मैं यहाँ के डायरेक्टर श्री विश्वास सर के तहत बोलना चाह रही हूँ कि यह आज मैं पूरे घाटशिला वासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ और मैं आप लोगों को यह बताना चाह रही हूँ कि यह स्वतंत्रता हमें फूलों की राह पर नहीं मिली, यह आज़ादी हमें रक्त रंजित आज़ादी मिली है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर पंडित ने हमें यह आज़ादी बहुत ही कीमती वक्त में बिता बिता के दिए हैं, उन्होंने कई बार जेल गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे भारत को एकीकृत करके यह आज़ादी हमें दिए हैं और यह हमारा अखंड जो भारत है वह आज हम देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम के तहत
हमें अपने अवसरों को प्रदान किया है और इन अवसरों के तहत हम अपने आर्थिक जीवन के प्रति भी स्वतंत्र हुए हैं। हमारे कॉलेज के डायरेक्टर सर, यहाँ के जितने भी टीम है, उनकी यही कामना है, यही आशा है कि पूरे नगरवासी आप शिक्षित हों और अपने रोजगार की तरह अपने अवसर प्रदान प्राप्त करें और अपने देश के लिए अच्छे नागरिक बने तथा इस अपने देश को एक अपना योगदान दे। तथा मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि मेरा देश और मेरी माटी जैसे मन की बात और भी बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे हमारा देश गौरवान्वित हो रहा है और हम भी बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद।